स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज की क्लास में नया टॉपिक टोराइड एम्पियर सर्किटल लॉ का लास्ट एप्लीकेशन। लास्ट पहला था ड्यू टू द थिन वायर, दूसरा था थिक वायर सिलिंड्रिकल वायर इनसाइड एंड आउटसाइड, तीसरा है सोलेनोइड, कल पढ़ाया लास्ट लेक्चर में, द लास्ट वन इज टोराइड। खत्म। आज पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक फिनिश। टोराइड के बारे में लोग बताते हैं कि टोराइड बेसिकली सोलेनोइड ही है। जो स्ट्रेट सोलेनोइड होता था उसमें एक रॉड के ऊपर हम वायर को लपेटते थे, किसके ऊपर? रॉड के ऊपर। लेकिन जो हम बात करेंगे टोराइड का बेटा, तो टोराइड में हम जो लपेटते हैं वॉन्ट ऑल द वायर्स इन हेलिकल फॉर्म, पर फर्क सिर्फ इतना है कि वह रिंग के ऊपर लपेटते हैं। किसके ऊपर? रिंग के ऊपर। वहां हम किसके ऊपर लपेटते थे? एक स्ट्रेट रॉड के ऊपर, करंट यू जाकर यू निकल जाता था। यहां एक रॉड में, यहां एक रिंग में है तो सोलेनोइड, ये स्ट्रेट सोलेनोइड है, ये सर्कुलर सोलेनोइड है। रिंग के ऊपर टर्न्स को लपेट दो, रिंग के ऊपर, तो वो बन जाता है टोराइड। तो टोराइड इज व्हाट? इज नथिंग, इट इज बेसिकली अ सोलेनोइड, बट ये सर्कुलर रिंग के ऊपर लपेट दिया तो बन गया क्या? क्या बन गया बेटा? टोराइड। अब बताओ, मान लो रिंग के ऊपर लपेटा है, रिंग का रेडियस आर है, तो यहां टोराइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2πr, क्योंकि टोराइड के किसी भी लेंथ सोलेनोइड की या टोराइड की लेंथ का मतलब पता है ना क्या होता है? लेंथ का मतलब होता है जिसके ऊपर हम लपेटते हैं उसकी लंबाई, और टोराइड का मतलब जिसके ऊपर लपेटा रिंग, तो रिंग की लंबाई। फिर एक स्मॉल एन होता था, याद करो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहां वो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन बाई एल, यहां एन बाई टू पाई आर, मिला के पढ़ा रहा हूं सेम। अब याद करो, जब हमें सोलेनोइड के सेंटर पे, सोलेनोइड के सेंटर का मतलब या टोराइड के सेंटर का मतलब क्या हुआ? जितने टर्न्स हैं सबका सेंटर, जितने टर्न्स हैं सबके सेंटर पे, टर्न्स के सेंटर पे, टर्न्स के सेंटर पे, ये होता है सोलेनोइड या टोराइड का सेंटर। तो जब हमें सोलेनोइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती थी तो हम एक एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते थे, और उसके लिए हमें एक लूप बनाना पड़ता था। यहां पे वो लूप स्क्वायर होता था, सोचो। और कोई भी एम्पिरियल लूप हम लेते हैं तो वो लूप, ध्यान रखना, वो लूप उस सभी पॉइंट से गुजरना चाहिए जहां पे हमें फील्ड निकालनी है। तो अगर हम सबके सेंटर पे निकालनी है कलेक्टिवली, तो वो लूप ऐसे जरूर गुजरना चाहिए, तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब यहां पे हम कैसा लूप बनाए जो सभी के सेंटर से पास करे, बताओ? तो ऐसा लूप यहां पर अगर बनाना चाहोगे तो ये सर्कुलर लूप ही बनेगा। तो यहां पे सर्कुलर लूप ही सभी के सेंटर को टच करके गुजर सकता है। वहां पे स्ट्रेट जाना पड़ता था, यहां पे घूमना पड़ेगा लूप को। तो यहां पे अगर आपको सभी के सेंटर पे कलेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है टोराइड के सेंटर, टोराइड के सेंटर का मतलब ये मत समझ जाना ये तो रिंग का सेंटर है, हमें अगर टोराइड के सेंटर पे निकालनी है तो इसका मतलब हमें टर्न्स के सेंटर पे निकालना है, और टर्न्स के सेंटर का मतलब हमें क्या करना है बच्चे? अगर हमें टर्न्स के सेंटर पे निकालना है, इट मींस कि हमें एक एम्पिरियल लूप लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें एम्पियर्स लॉ लगाना है, और एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए एम्पिरियल लूप, और लूप के बारे में क्या बताया गया? लूप इस तरह लेना है वो लूप सभी के सेंटर को टच करे। तो यहां पे कैसा होगा? यहां पे होगा सर्कुलर लूप ही होगा, ठीक है? चलो, तो अब हमें सभी के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सभी के सेंटर का मतलब सभी के सेंटर पे कलेक्टिवली फील्ड, इट मींस टोराइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए कैसा लूप लेंगे? कैसा लूप लेंगे? सर्कुलर लूप। वो जो सर्कुलर लूप लोगे उसका भी रेडियस क्या होगा? आर ही होगा, ठीक है? उसके बाद फिर क्या करेंगे? एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए याद करो डीएल चाहिए, तो यहां पे डीएल ले लेंगे। और आपको अच्छे से पता है, ये मुझे पता होगा, आपको पढ़ाया था मैंने, जब लूप सर्कुलर होती है तो डीएल हमेशा अलोंग द टेंजेंट कट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर अलोंग द टेंजेंट ही होती है। अब देखो, दोनों अलोंग द टेंजेंट होगा तो बी और डीएल के बीच एंगल कितना हो गया बच्चे? 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, अब बताओ एम्पियर्स लॉ लगाओ। क्या एम्पियर्स लॉ है? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई।
इसको खोलो, बी डी एल कॉस जीरो इज इक्वल टू मी नॉट एन आई। कॉस जीरो तो हो गया वन, कॉस जीरो हो गया वन, तो अब क्या बचा, बी डी एल कॉस जीरो वन इज इक्वल टू मी नॉट एन आई। डीएल बड़ा होकर क्या बनेगा, पूरे लूप की लंबाई, तो बी डीएल का मतलब टू पाई आर इज इक्वल टू मी नॉट एन आई। बस अब एंड हो गया, बी इज इक्वल टू मी नॉट एन बाई टू पाई आर इंटू आई, और एन बाई टू पाई आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन, वही आ गया वापिस। तो देखो फॉर्मूला बन गया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का, फॉर्मूला म्यू नॉट एन इंटू आई, बस फिनिश। टोराइड के सेंटर का मतलब सभी के टर्न्स के सेंटर का कलेक्टिव रिजल्ट। तो उसके लिए एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ ऐसा लेंगे, ऐसा लूप, लूप तो लेना ही पड़ेगा, लूप ऐसा लेंगे जो सभी के सेंटर को टच करके निकल जाए, सर्कुलर। सर्कुलर हो गया तो डीएल काट हो गया अलोंग द टेंजेंट, बी भी अलोंग द टेंजेंट, थीटा जीरो लगाओ, फॉर्मूला वही आकर रुक गया जो होता है सोलेनोइड हो या टोराइड हो। अब यहां पे बात उठती है, ध्यान देना, कभी कभी सोलेनोइड के दो, टोराइड के दो रेडियस दे देगा, एक इनर रेडियस दे देगा, एक इनर रेडियस दे देगा बच्चे, और एक आउटर रेडियस दे देगा, दो रेडियस भी दे देता है कभी कभी, किसका, एक टोराइड का। तो वो दो रेडियस दे दे तो वहां पे आपको पहले इन दोनों का एक मीन रेडियस लेके चलना पड़ेगा, याद रखना। अगर किसी भी न्यूमेरिकल्स में कहीं पर भी दो रेडियस दे दे, दो 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 रेडियस दे दे, तो आपको वो आग लेने के लिए पहले उनका मीन लो, वही आग लेना पड़ेगा, ना इनर ना आउटर। आता है पेपर में सवाल, जैसे एक छोटा सा सवाल दूं, एक टोराइड का इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में ले लो 0.05 मीटर, आउटर रेडियस बेटा 3 सेंटीमीटर, चलो मीटर में ले लो 0.05 मीटर, करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, चलो भाई करंट भी दे दिया, राइट। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है किसमें, टोराइड में, वो 300, और नंबर ऑफ लेयर है, लेयर है कितने हैं, 3। लेयर का मतलब क्या हुआ, जैसे ये टोराइड है ना, टर्न्स है ना, इसके ऊपर 3 टर्न्स, इसके ऊपर 3 टर्न्स, तो लेयर, लेयर बना तभी तो थिकनेस हुई, तभी तो इनर आउटर रेडियस आया। अब रेडियस निकाल देंगे, इनर प्लस आउटर बाय 2 पता ही है, फिनिश। स्मॉल एन निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना लेंगे, 300 दे रखा है, बट ऐसे ऐसे लेयर भी 3 है, तो 300 × 3 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 900। उसके बाद सेंटर पे फील्ड पता ही है आपको, मी नॉट एन आई। अगर ये पूछता है इनसाइड बताओ, तो इनसाइड बोलते हैं 0, रिंग के आउटसाइड बताओ, आउटसाइड बोलते 0, आउटसाइड भी 0 होती है, वो मैं आपको प्रूफ करूंगा, ना रिंग के अंदर होती है ना रिंग के बाहर होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, अब मैं बताऊंगा कि इनसाइड एंड आउटसाइड 0 कैसे होती है, सेंटर पे तो होती है आपको पता ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अभी हमने इनसाइड निकाला, अब मैं इसी टोराइड में अगर मैं आपसे बोलूं कि ये टोराइड है, फिर से देखना, ठीक है बच्चे, टोराइड दोबारा बना दिया, अभी हमने कहां निकाला था, इनसाइड, अब मैं आपको बोलूंगा कि मुझे आउटसाइड नहीं बताओ, आउटसाइड बाहर बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये तो रेडियस हो गया आर, यहां पूछ रहा हूं, तो यहां पूछूंगा, अंदर पूछूं, कहीं भी पूछूं, सेंटर पे पूछूं, आप तो सर्कुलर लूप बनाओगे, ये सर्कुलर लूप, चलो अब तो नहीं बोल सकते कि करंट बंद नहीं हुआ, अब तो करंट आया, अब तो ये बहाना नहीं बना सकते कि सर इस लूप के अंदर करंट बंद नहीं हो रहा है, बिल्कुल आ रहा है, करंट बंद हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, लगाएंगे एम्पियर सर्किट लॉ, फिर लगाओ एम्पियर सर्किट लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। देखो क्या लिखेंगे, यही होता ना लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या होता है बताओ, मी नॉट, बोलो बच्चे, मी नॉट एन आई, बट यहां ऐसे लिखाएगा, बोलोगे सर ये कैसे आ गया, समझ में नहीं आया, ये समझने वाली बात है, समझने वाली बात, ये कैसे आया, कोई भी एक लूप ले लो आप, कोई भी एक लूप ले लो,
लूप को सामने से देखो, पता चला करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता दिख रहा है, और सामने से देखा तो पता चला कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। तो उसी लूप को अगर पीछे से देखोगे, बैक साइड से उसी लूप को अगर पीछे से देखोगे तो करंट लगेगा क्लॉकवाइज। मतलब अगर फ्रंट फेस के रेस्पेक्ट में यहां पे फील्ड निकाली जाए तो अगर करंट म्यू नॉट एन आई होगा तो इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो इसका एक लूप, किसी भी एक लूप को देख लो ना, किसी भी एक टर्न को देख लो, उसका बैक फेस देखोगे तो करंट वहां एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। सामने एंटी क्लॉकवाइज तो पीछे वाला फेस क्लॉकवाइज। तो अगर टोटल करंट देखा जाए लूप के दोनों फेसेस का तो म्यू नॉट एन आई तो एक माइनस एन आई, क्योंकि एक क्लॉकवाइज फेस में होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज फेस में होगा, कट के क्या हो जाएगा जीरो। सो बी भी यहां पर भी क्या हो गया जीरो, क्योंकि किसी भी जगह आउटसाइड पे अगर किसी भी लूप को देखा जाए, किसी भी टर्न को देखा जाए तो वो दो फील्ड बनाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो, दो फील्ड बनाएगा। एक फेस जो क्लॉकवाइज है वो इनवर्ट फील्ड बनाएगा, जो फेस एक और फेस पीछे वाला एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो वो भी फील्ड बनाएगा। तो क्लॉकवाइज वाला फेस अगर इनवर्ट बना रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज वाला वहीं पर आउटवर्ड बनाएगा, तो वहां पर डबल फील्ड होगी, वहां पर डबल फील्ड होगी और दोनों फील्ड इक्वल होगी एंड अपोजिट होगी, तो कट के तो ओवरऑल जीरो ही आ जाएगा। ध्यान रखना करंट के हिसाब से समझो, तो एक फेस में करंट क्लॉकवाइज तो मी नॉट एन आई, वहीं पे दूसरे फेस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज तो उसको माइनस में करंट लोगे, कट के तो जीरो ही आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ना तो फील्ड यहां कहीं होगी, ना फील्ड यहां कहीं होगी, ना तो रिंग के अंदर ना रिंग के बाहर टोराइड की फील्ड नहीं होती है। टोराइड की फील्ड सिर्फ टोराइड के सेंटर पे, टोराइड के सेंटर का मतलब टर्न्स के सेंटर पे, याद रखना, ना तो रिंग के इनसाइड ना रिंग के आउटसाइड। इनसाइड तो जीरो इसलिए हुआ कि करंट ही नहीं बंद हो पाया था, आउटसाइड तो दोनों फेस का फील्ड कैंसिल हो जाएगा, दोनों फेस का करंट कैंसिल हो जाएगा, फील्ड जीरो हो जाएगी। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है, नोट्स में है। फिर बच्चे एक टोराइड में और कॉन्सेप्चुअल सवाल मैंने नोट्स में भेजा है, करवाया है, देखना एक और क्या कॉन्सेप्ट है, जरा सुनिएगा। अगर मैं ये सोलेनोइड बनाऊ, ये सोलेनोइड है राइट, और ये मैं टोराइड बनाऊ, ठीक है। अब सुनो, सुनो ध्यान से सुनो, सोलेनोइड के सेंटर पर फील्ड होती है, टोराइड के सेंटर पे भी फील्ड होती है, टोराइड के अंदर फील्ड जीरो होती है, यहां पर भी फील्ड जीरो होती है। लेकिन अगर सोलेनोइड में देखा जाए तो सोलेनोइड में टर्न्स के बाहर फील्ड जीरो नहीं होती, वीक हो जाती है, कम हो जाती है, बट जीरो नहीं होती, याद रखना। बट टोराइड में बाहर साइड जाओगे तो फील्ड जीरो होगी, अंदर साइड रहोगे फील्ड जीरो होगी। इसीलिए कहते हैं कि जो टोराइड की जो करंट जाएगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो जो टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो सिर्फ सिर्फ टर्न्स के अंदर ही कन्फाइंड होती है, ना टर्न्स के बाहर इधर होती है ना इधर होती है, क्योंकि फील्ड ही नहीं तो लाइंस कहां से। बट सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो टर्न्स के अंदर होती है, तो कन्फाइंड होती है, मैक्सिमम लाइंस जो टर्न्स के अंदर ही होती है, लेकिन कुछ लाइंस बाहर भी होती है, क्योंकि बाहर एक्सटर्नल फील्ड जीरो नहीं होती, याद रखना। तो पेपर में आता है व्हाई द ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द टोराइड ऑलवेज कन्फाइंड ओनली विद इन द टर्न्स बिकॉज देयर इज नो एक आउटवर्ड फील्ड, बाहर तो फील्ड ही नहीं होती सर, आपने प्रूफ करके बताया था अभी, अंदर फील्ड ही नहीं होती, आपने प्रूफ करके बताया था अभी, तो लाइंस कहां होंगी, लाइंस जो भी होंगी सिर्फ टर्न्स के अंदर होंगी, ऑल लाइंस आर कन्फाइंड विद इन द टर्न्स। बट यहां सोलेनोइड में लाइंस बाहर होती हैं क्योंकि फील्ड भी बाहर होती है, कम लाइंस भले ही हो बट लाइंस होंगी, मैक्सिमम लाइंस तो अंदर ही होंगी क्योंकि फील्ड अंदर ही स्ट्रॉन्ग है, पर थोड़ी बहुत लाइंस बाहर भी होंगी, याद रखना। तो इन सोलेनोइड ऑल लाइंस आर नॉट कन्फाइंड विद इन द टर्न्स, सम लाइंस आर आल्सो आउटसाइड, दे आर डाइवर्टेड लाइंस, पेपर में आता है। तो ये बच्चों मैंने टोराइड बहुत अच्छे से समझाया, सोलेनोइड ही टोराइड है बस सर्कुलर शेप में है, डेरिवेशन करवाया, क्वेश्चंस कराए, टर्न टोराइड के सेंटर पे बताया, इनसाइड जीरो समझाया, आउटसाइड जीरो समझाया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां होती हैं कहां नहीं होती ये बताया, इतना ही पेपर में आता है। मैं अब अगली क्लास में मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से खत्म कर चुका हूं, मैं 100% अगली क्लास में बिल्कुल नया टॉपिक 100% शुरू हो जाएगा, एकदम नया टॉपिक
मैग्नेटिक फोर्स। यस, इन नेक्स्ट लेक्चर आप इसको पढ़ो, नोट्स में भेज रहा हूं मैं, पहले नोट्स लिख लो फिर वीडियो देखना, बड़ा मजा आएगा समझने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।